चैनल योगी पुखराज पर आप सभी का स्वागत है। और आप अभी जो ये लाभ देख रहे हैं, ये श्री जसनाथ आसन नवकोटि धाम पांचला सिद्धाम में सिद्धाम के द्वारा ये नृत्य हो रहा है। और श्री जसनाथ आसन पांचला सिद्धाम में ये 550 वर्ष से परंपरा चली आ रही है। और आप देख रहे हैं इधर लाइव प्रोग्राम, सिद्ध पुरुष है वो ओमकार राग में शब्दों का गायन हो रहा है, और जो दूसरे जो सिद्ध है वो नगाड़ा की थाप पर नृत्य कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर नृत्य हो रहा है और ये कार्यक्रम श्री जसनाथ आसन पांचला सिद्धा में हो रहा है। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे ओम की आहुति हो रही है, नारियल और मिश्री की आहुति हो रही है, साथ में गुगल धूप चल रहा है, सिद्धा के द्वारा मंत्रा का उपचार हो रहा है। और विश्व के शांति के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए यहाँ हवन होता है। और इस पांचला सिद्धा के आश्रम की बहुत ही अच्छी परंपरा है, एक वर्ष के अंदर 3 मेले भरे जाते हैं। 3 मेला के अंदर ये जो चैत्र नवरात्रा के अंदर ये जो सातम के अवसर पर जो मेला भरा जाता है, इस मेले के दौरान आज शाम को 4 बजे जो शांति पाठ होता है, हवन होता है, सिद्धा के द्वारा ओंकार राग में शब्दों का गायन होता है, और उसी गायन के ऊपर सिद्ध लोग नृत्य करते हैं। आप बहुत ही शानदार, और ये कार्यक्रम देखिए, बहुत ही शानदार और सुंदर आयोजन चल रहा है। और इसी तरह का कार्यक्रम देखने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और लगातार हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे राजस्थान की संस्कृति से जुड़े हुए धार्मिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम और भी जितने भी आयोजन होंगे इस चैनल पर आते रहेंगे और देखें, इस कार्यक्रम का आनंद लें। और ये जो सुंदर कार्यक्रम आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार आयोजन हो रहा है। पांचला सिद्धा जसनाथ आसन के अंदर सिद्धा के द्वारा ओम का राग में ये शब्दों का गायन चल रहा है। सिद्ध पुरुष है वो नगाड़ा की थाप पर नृत्य कर रहे हैं। और बहुत ही सुंदर ये आयोजन आप देख रहे हैं, श्री जसनाथ आसन नवकोटि धाम पांचला सिद्धा, ये खींवसर नागौर के अंदर पड़ता है। ये आप जन सैलाब देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ भक्त लोग आए हुए हैं। और ये श्री जसनाथ आसन नवकोटि धाम पांचला सिद्धा का बहुत ही सुंदर और रमणीय आप दृश्य देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर नृत्य आप देख रहे हैं, कितना शानदार ताल और मेल है इनका नृत्य के बीच में, शब्दों के गायन के बीच में। और यही सिद्धा का यहाँ की चमत्कारिक तपोभूमि है। और बताया जाता है कि 550 साल से चलती आ रही इस परंपरा का सिद्धा का आज भी बहुत ही अच्छा चमत्कार बताया जाता है। और बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। ये जो सिद्ध महात्मा यहाँ पर विराजमान है, इनसे पूछते हैं कितने साल से चली आ रही ये परंपरा है। 550 वर्ष हुआ ये परंपरा चलती आई है। जसनाथ जी महाराज ने अवतार लिया 550 वर्ष हुआ। समत 1500 वर्ष गुणशाली सो मास काती ने एकादशी शनि सरवार दिन दिन धरती में लियो है जसनाथ जी महाराज अवतार। ये जो अभी आप दर्शन कर रहे हैं, ये श्री जसनाथ आसन पांचला सीधा खींवसर नागौर के अंदर जसनाथ संप्रदाय की जो प्रमुख पांच पीठें हैं उनके अंदर जो पांचला पीठ है वहाँ का मुख्य मंदिर का आप दर्शन कर रहे हैं। इधर आप देख रहे हैं भक्त लोग आ रहे हैं और अपना माथा टेक रहे हैं और अपने परिवार के खुशहाली की कामना कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये यहाँ की धाम है। और यहाँ की बताया जाता है कि सिद्धा का बहुत चमत्कारिक यहाँ परिचय हैं और यहाँ से लगभग पूरे राजस्थान से भक्त लोग जुड़े हुए हैं। साल के अंदर जो 3 मेले भरे जाते हैं, इन मेला के अवसर पर हजारों की संख्या में भक्त लोग यहाँ आते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं, धोख लगाते हैं और अपने परिवार के खुशहाली की कामना करते हैं। ये आप इधर देख रहे हैं, भक्त लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। सिद्धा की समाधि स्थल है जहाँ पर भक्त लोग शीश निवा रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं और परिक्रमा दे रहे हैं। यहाँ पर गणेशनाथ जी महाराज, केसरनाथ जी महाराज, हुकुमनाथ जी महाराज इसी परंपरा में यहाँ मेहनत हुए थे, उनकी समाधि स्थल है और भक्त लोग उनकी परिक्रमा लगा रहे हैं और नमस्कार कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थान है आप जो दर्शन कर रहे हैं। ये पांचला सिद्धा के अंदर जीव समाधियाँ हैं, यहाँ जो संत हुए थे, बड़े बड़े महान पुरुष हुए थे, बोहित जी महाराज,
दुदो जी महाराज और नाथो जी महाराज उनके जीवित समाधि के दर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अखंड ज्योत के दर्शन पांचला सिद्धा के अंदर। कई वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में ये अखंड ज्योत चलती रहती है। भक्त लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और शुद्ध गाय का देसी घी से ये अखंड ज्योत जगती है। ये जो आप अभी दर्शन कर रहे हैं ये धुना बना हुआ है और यहाँ पर हमेशा जब भी आरती होती है तो यहाँ ज्योत जगी जाती है। और ये जो अभी ज्योत लेकर आरती कर रहे हैं ये देखिए सिद्ध पुरुषों से और इनसे अभी बात। मेले के दिन ये बड़ा धूमपेड़े से धूम होता है, बाकी छोटे धूमपेड़े से यहाँ धूम होता है। इस बड़े धूमपेड़े से कब कब यहाँ आयोजन होता है तब आप इस बड़े महीने की सातम को मतलब उजड़ पंखवाड़े की सप्तमी के दिन हमेशा होम होता है। सप्तमी के दिन शुद्धी सातम हर महीने 12 महीने में होती है और तीन बड़े मेले लगते हैं तो अखंड ज्योत होती है। अच्छा, इसका टाइम पीरियड वगैरह फिक्स है या फिर हर महीने की सातम को ही आपका ये आयोजन होता है? हर महीने की 3:30 बजे के बाद 4 बजे हुमायत होती है। हर महीने हर 84 बाड़ी में ये हुमायत होती है। ओम साथियों हैं गोरखनाथ जी का, जिस दिन समत 1551 में गोरखनाथ जी मिले थे जसनाथ जी महाराज को, उस दिन से ये ओम साथियों शुरू हुई। क्या कोई विशेष उद्देश्य होता है या ये परंपरा कब से शुरू हुई या क्या इसका? गोरखनाथ जी महाराज गुरु मिले उस दिन से और वैसे वातावरण शुद्धिकार होम है ये। भगवान इंद्र देवताओं को 33 करोड़ देव देवताओं को प्रश्न करने के लिए हर महीने के देवताओं को यादगार में ये सप्तमी होने जाती है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गैना राम सियाग है, बिरलोका। अच्छा, बिरलोका से गैना राम जी सियाग। और आपने इस धूमपेड़े की परंपरा के बारे में बताया, आप कह रहे हैं कि हर महीने की सातम को 4 बजे या पांचला सिद्धा में ये धूम का आयोजन होता है और जीव मात्र के कल्याण के लिए और जगत के ये पर्यावरण को शुद्धिकरण के लिए यहाँ ओम का जाप होता है। और इसमें विशेष किस किस का आप प्रयोग करते हैं इस जब ओमैत करते हैं धूप के अंदर? इसमें धूप है, देसी गाय के घी का धूप है, हवन है, ये जो गूगल धूप ओमते हैं, गिरत गूगली मैंखार है, ये ओमते हैं। अच्छा, इसी चीज़ का उपयोग करते हैं और बाकी जो मंत्र बोलते हैं ये मंत्र भी कोई स्पेशल या आपके कोई फिक्स बोलते हैं? ये वैसे सामवेद की वाणी है, वैसे 4 वेद थे उसमें सामवेद की भाषा में ये जो ओंकार राग में ये जो मंत्र है, ओंकाड़ है और सिंबुदड़ा है, गोरख छंदा है, ये बोलते हैं तो 33 करोड़ देव देवता प्रश्न होते हैं, 4 वेदों के सार हैं। तो बहुत ही सुंदर बात बताई गैरनाथ जी ने। और ये जो आयोजन होता है पांचला सिद्धा के अंदर और आपने दर्शन किए, ये ज्योत हमेशा हर महीने की सातम को 4 बजे ये बड़ा धूम पांचला सिद्धा के अंदर होता है। आपका भी कभी पधारना हो तो जरूर इस ज्योत के दर्शन करें। और जो भी बताया जाता है कि इस ज्योत के जो दर्शन करते हैं उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए हम इनसे बात करते हैं पांचला सिद्धा में यहाँ विराजमान है सिद्ध पुरुष और इनसे बात करते हैं कि यहाँ की परंपरा में जो भक्त लोग आते हैं मेला के अंदर वो किस किस जिला से या कहाँ कहाँ के भक्त लोग यहाँ ज़्यादा आते हैं बताइए कि यहाँ पांचला में जो मेले भरे जाते हैं यहाँ ज़्यादातर भक्त किस एरिया से आपके यहाँ ज़्यादा भक्त आते हैं? हमारे यहाँ तो सभी पूरे भारत के भक्त आते हैं और जैसे नागौर ज़िले के हमारे गाँव के आते हैं, बाड़मेर के आते हैं, जोधपुर ज़िले के आते हैं, पाली के आते हैं और जैसलमेर के आते हैं, करीब के राजस्थान के सब जिलों के आते हैं और बाहर से विदेशी लोग भी आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश से काफ़ी मतलब प्रांतों के आते हैं। बहुत ही सुंदर ये अंतर्राष्ट्रीय धाम भी है, यहाँ पर विदेशी मेहमान भी खूब आते हैं और यहाँ से जुड़े हुए विदेशी मेहमान भी है। तो यहाँ आपके पांचला की परंपरा में कितनी गादियाँ हो गई, वर्तमान में कौन सी गादी चल रही है संतों की? यहाँ संतों की 11वीं पीढ़ी चल रही है संतों की और पहले मतलब 3 हमारे 4 समाधि जीवन समाधि संतों की जो यहाँ सिद्ध पुरुष ने भजन किया था और भजन करते पहले संत होते उन्होंने जीवन समाधि ली, उनके फिर बाद में शिष्य हुए उनके भी जीवन समाधि, उनके बाद में और शिष्य हुए 3री में उनकी जीवन समाधि और 4वें महीने जो यहाँ गुरु महाराज है उनके 4 चेले हुए थे और उन 4ों ही चेलों की जीवन समाधि है जो एक तो यहाँ पांचला में, एक पास में पांचोड़ी गांव वहाँ भी जीवन समाधि उन चेलों की, एक पास में कन्नू गांव है, कन्नू में उनकी जीवन समाधि है और कन्नू में जो देवजी महाराज की जीवन समाधि है उनको सैन सही 2 बार गोरखनाथ महाराज मिले हुए हैं।
और एक है जोधपुर जिले में रामपुरा गांव, और रामपुरा में एक कंवरो जी महाराज की जीव समाधि है, और वो यहाँ से पांचला से ही गए हैं सब। बहुत ही सुंदर इस आश्रम का आप इतिहास बता रहे हैं। इन पांचला के आश्रम के इतिहास में लगभग 7-8 जीव समाधियाँ आप बता रहे हैं, और बहुत ही तपोभूमि है, संतों की सिद्धों की तपोभूमि है। इस गांव का नाम भी पता चला है कि इस गांव का नाम भी सिद्धों के नाम के पीछे, इस गांव का नाम पांचला सिद्धा पड़ा है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नारायण नाथ है। यहाँ पे पांचला सिद्धों का नाम पड़ा ना, ये जोधपुर दरबार अजीत सिंह जी के कुछ बीमारी लगी हुई थी उनकी, मतलब वो बीमारी कटने से उन्होंने महाराज ने बोला, महाराजा ने बोला कि मैं गांव आपको दे रहा हूँ। तो महाराज ने ये बोला कि मेरे में हम खेती नहीं करते, हम तो सिर्फ यहाँ भजन करते हैं। तो उन्होंने कहा यह गांव आपके नाम से मैं लगा दूंगा। तो यह पांचला सिद्धों का नाम उन्होंने कहा, उस जागीरी की जागीरी थी, और जागीरी वक्त उन्होंने नाम पांचला सिद्धा पढ़वा दिया। ये तपोभूमि है और यहाँ सिद्धा ने तपस्या की, और जोधपुर के दरबार ने इस गांव का नाम है वो पांचला सिद्धा जो जागीरी के अंदर इनको दे दिया। बहुत ही इस गांव की सुंदर, इस आश्रम को स्थापित हुए कितने वर्ष हो गए? करीब 5.5 साल हो गए। 5.5 साल से ये परंपरा चली आ रही है। और विशेष इस आश्रम का भक्तों के ऊपर क्या आशीर्वाद रहता है? यहाँ पंखी फेरते हैं और उनके जो कोई भी बीमारी होती है वो शांत होती है। तो आप बता रहे हैं कि पांचला सिद्धा के अंदर यहाँ पंखी फेरी जाती है, और यहाँ के सिद्धा के वचन दिया हुआ है कि यहाँ कोई भी अगर पंखी फेरेगा तो उनके किसी भी प्रकार की अगर बीमारी होगी, किसी भी प्रकार के जहरीला जानवर है, फोड़ा फुंसी है, या कोई भी असाध्य बीमारी लगी हुई है, तो पांचला सिद्धा के अंदर इस धाम में आके जो नमस्कार करता है और यहाँ से पंखी फेरवा के जाता है तो उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। तो आपको हमने पांचला सिद्धा का थोड़ा इतिहास बताने का प्रयास किया है। जसना संप्रदाय की प्रमुख जो पांच पीठें हैं उनमें से पांचला सिद्धा का नाम है, और वर्तमान जो गादीपति है उन महाराज श्री का क्या नाम है? श्री सूरजनाथ जी महाराज पांचला सिद्धा के वर्तमान गादीपति है। बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थान है ये, आप देख रहे हैं। पांचला सिद्धा में संत सिद्ध महात्मा विराजे हैं और पंखी फेर रहे हैं। गहरा इतिहास है, सिद्ध पुरुषों से वचना के बंधी हुई ये पंखी आज भी भक्तों का 500 वर्ष से चली आ रही दुख पीड़ा ग्रहण करके भक्तों का दुख दूर करती है। आप कितने वर्ष से यहाँ पांचला की परंपरा से जुड़े हुए? हमारे यहाँ पिताजी और दादाजी 300 वर्ष से जुड़ा हुआ है। 500-550 बरा की दाम है, और सब में छोटे मोटे उनते ही अटे आते हैं, पंखी फिराते हैं, आता तब कोई भी हो जाए शाइन तो है, और गुरुजी के चरणों में रहते हैं, नहाता हाँ जानता हाँ। बढ़िया, आप 300 साल से यहाँ इस परंपरा से जुड़े हुए? हमारे दादा परदादा और मेरी भी समझ लगी उन दिनों ही अटे इन चरणों की दाम हुई निवन करा अटे मारे बहुत। तो यहाँ से विशेष कोई आशीर्वाद आपके ऊपर? आशीर्वाद हमारे आई है, हमारे कोई प्रॉब्लम हो जाती है शरीर के अंदर तो हम आगे पंखी फिराता हम सब रेडी हो जाता, दुख पीड़ा सब कट जाती है। आप पांचला सिद्धा री परंपराओं कितना वर्षों जुड़ियो डाओ? मैं तो जुड़ी रहा हाँ सा 9 साल हो गए। 9 साल हो, आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र होगी 90 का। अच्छा, आप रो जीवन पूरा ये आश्रम जुड़ियो डाओ? आश्रम सब जुड़ी रहो, विशेष ही आश्रम रहो, आप रो ऊपर आशीर्वाद महाराज की कृपा है। अच्छा, आप रो ऊपर महाराज की कृपा है। तो आप बता रहे हैं महाराज श्री की कृपा है, और इस आश्रम जो सिद्धा की तपोभूमि है इसका विशेष आपके ऊपर आशीर्वाद है। आई राका धन्यवाद बादशाह धन्यवाद हमने।